फाइनली गाइज आपने वीडियो तो देखी ली थी इस कार की डिलीवरी की, और भाई गाड़ी का नंबर भी आ गया है। हम लोगों ने इस बार UP 32 लिया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिप ऑफ आवर एलेंट्रा। आज हम जाएंगे राजस्थान की तरफ। सी दिस ब्यूटी मैन। भाई यार ये पहली ट्रिप है एलेंट्रा से, कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। चलो बैठो, जल्दी बैठो। तो भैया हम आ गए हैं आगरा और ये है भगवान टाकीज, वो गाड़ी एलेंट्रा। थोड़ा काम करा लें और काम कराने के बाद सीधे निकलेंगे हम लोग राजस्थान की तरफ। तो बने रहना वीडियो में भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल है, गाड़ी देख सकते हो कितनी क्लासी लग रही है। ये रहे तो रैया पूछ रहे हैं हूटर वाली। ये रही आहूजा की मशीन और ये रहा हूटर का मशीन। फिट करेंगे भाई इस एलेंट्रा में, नचाएंगे इसको हाईवे पे एकदम। क्या बोलती पब्लिक? शिवांश कंफर्ट कैसा लगा, सही बताना भाई। क्या चीज़? कंफर्ट कैसा लगा? कंफर्ट एक नंबर, एक नंबर है ना। कंफर्ट के मामले में भाई कोई जोर नहीं। भाई कैसा लगा, कैसा लगा साउंड? साउंड बढ़िया, तो ज्यादा तेज नहीं है लेकिन ठीक है, बज रहा सही है यार। भैया यहाँ पे हम पीने जा रहे हैं अपने सफर की पहली चाय। दिन में निकले थे 12 बजे और अभी जो है 6:30 बज गया है, मथुरा पहुँच गए हैं। जो उसमें हूटर लगवाया था वो भी काम नहीं कर रहा है, वो कहीं से अर्थिंग उसकी हिल गई है, उसको बजाएंगे। और फिर वीडियो शूट हो रही है आईफोन 13 से, बार बार बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो है ना बताना पड़ता है भाई आईफोन से वीडियो शूट हो रही है। ये देखो ब्राइटनेस बढ़ी होगी। चाय पीते हैं मस्त वाली, चाहे वॉइस कैप्चर होए, साउंड नॉइस या फिर ना होए, भैया आईफोन 13 है, इज्जत करो इस फोन की। नाइट क्वालिटी वीडियो काफ़ी बढ़िया आईफोन की, ये देखो। और मेरी जेब में भाई वन प्लस भी है, 641 हो रहा है इसकी भी भाई वीडियो क्वालिटी ज़बरदस्त है, कोई इसमें दुराहा तिराहा नहीं है। ये देखो भाई, ये इसकी वीडियो क्वालिटी है, ये इसकी वीडियो क्वालिटी है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दो पापे ले ले भाई को, मैंने पापे वाला जोक सुनाया। हाँ वृंदावन क्या, हम आ गए थे वृंदावन। अब तो जैसे ही मैंने चश्मा उतारा तो भाई मुझसे यही बोला कि तुम एल नहीं लग रहे। लेकिन आज जो वृंदावन आया ना, तो भीड़ आज कम देखने को मिल रही है, व्यवस्था काफी अच्छी हो चुकी है। परी परी तू परी, क्या बाहुबली हो गई तुम? भाई हम अपना आईफोन रखे आए थे, भीड़ भाड़ चक्कर में छोड़ा और रिस्क नहीं लेने का। तो ये देखिए पीक टाइम पे शनिवार है, तब भी आज भीड़ बहुत हल्की है क्योंकि जो प्रशासन है बहुत टाइट हो चुका है। जो भी घटना हुई थी जन्माष्टमी के दिन को उसको नज़र रखते हुए ये नज़ारा आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि सैटरडे संडे की छुट्टी होने के बावजूद भीड़ जो है कितनी कम है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों शिवांश भाई? अच्छा देखा था बाहर ही पुलिस वालों ने रोक दिया था, और मंदिर में किसी को रोकने भी नहीं देते हैं ताकि कोई जो है अप्रिय घटना ना हो पाए मंदिर प्रांगण में। तो राधा रानी की जय हो। अजय शिवांश मेरे साथ चल रहा है, बार बार कर रहा है पंछी ले रहा, मुझे ये नहीं समझ रहा किसकी ले रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। यार शिवांश ऐसा पहली बार हुआ होगा, भीड़ बहुत कम, बहुत टाइम। अब राधा रानी के दर्शन करते हैं वो बाके बिहारी के जल्दी से। ये देखिए कितनी भव्य सजावट बाके बिहारी मंदिर के बाहर। शिवांश भाई भाई फोटो खींचना यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी देर हो गई भैया, वरना हम लोग इस बैरिकेड के आगे होते और आर्मी अग्निवीर बन गए उसमें। भाई पुलिस देखो कितनी खड़ी है, जय है, इसकी वजह से देर हुई बस। हम तो भाई जी आ रहे थे इधर डोल डोल के। यहाँ पर सादा रोटी है, पैसा एक्स्ट्रा लें तो। आज हो गई है सुबह, हम आ गए हैं खाटू श्याम, और ये जो रूम पड़ता है ये पड़ता है खाटू श्याम से 20 किलोमीटर दूर। रूम आप देख लो क्वाइट गुड, ये देखो। पहले ये हुआ करता था होटल ओम, लेकिन अभी ये है कुटुंब द वेकेशन होम, इसको टेक ओवर कर लिया है। हम तो गूगल मैप पर डाले थे होटल ओम, लेकिन आया ये हमारा बिस्तर था। और भाई ये आ रहा है व्यू, कितना खतरनाक व्यू आ रहा है राजस्थान का, ये देखिए।
ये देखिए भाई, और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है सुबह के 10, और हम लोग यहाँ पे आए थे सुबह के 5 बजे। थोड़ा बहुत सो लिए हैं, चेहरा देख रहे हो सूज गया है, चेहरा अजीब सा हो गया है भाई, एक एक दाना चमक रहा है। ये दाना वह मच्छर ने काटा था, वीडियो शूट हो रही है मेरे आईफोन से। और अभी हम बस तैयार होकर जाएंगे खाटू श्याम। अभी जब थोड़ा अच्छी रोशनी होगी तो आपको बताऊंगा वृंदावन के बारे में। वृंदावन में तो भाई ये यार चेहरा क्या है यार, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बजे तो बात तुमने बड़ी बढ़िया कही है। एक किलोमीटर में महंगाई बढ़ती चली जाती है। अच्छा अभी नीचे क्या कहते थे वो जो 5 रुपए वाली नमकीन नहीं आती, मुंबई में दिखाने नीचे थी 7 रुपए की, यहाँ आए 10 रुपए की। हाँ और ऊपर जाओ 50 रुपए की। अरे बता रहे यार पानी की बोतल 60-60 रुपए मिलती है, क्योंकि भी ठंडा मिल लूंगा, जमा होता है गर्म देते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो यात्रा प्रारंभ कर दी है। और क्या चालू हो चुकी है, पूरी पोजीशन है, फोटो देखी थी। हाँ ये लौंडा मार एकदम कपड़े वपड़े पहन के एकदम मस्त है भाई। यहाँ से सब तैयार हो रहे हैं और यहाँ से हम सीधे निकलेंगे खाटू श्याम की ओर। अगर आपको खाटू श्याम में रूम नहीं मिलता है तो ये रूम आप ले सकते हैं खाटू श्याम से 20 किलोमीटर दूर। इसका मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, इसका जो एड्रेस है वो है टटेड़ा मोड़ NH 52 गोविंदगढ़ जयपुर। काफ़ी बढ़िया रूम है, 1500 का एक रूम मिला है हमको ये, और ये हमारा दूसरी बार है जो हम यहाँ पर रुके हैं। बस भैया लौंडा गया है मेरा नहाने के लिए और सब तैयारी यारी कर ली है, और चलते हैं सीधे खाटू श्याम, पहले कुछ खा लें। खा लें, वैसे ये रहा मेरा आईफोन, लेकिन मुझको एक बात नहीं समझ में आई है, जब मैं इसे वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ तो जो साउंड है ना वो जो एक्सपोजर वाली साउंड है, मतलब जो बाहर की साउंड है, बहुत ज़्यादा कैप्चर हो रही है, इसीलिए मैंने उसको रख दिया है और वन प्लस से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ देखना पड़ेगा, कोई ना कोई मुझको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिससे जो है सिर्फ एम्बियंट साउंड आए, सिर्फ मेरी साउंड आए, ना कि इसकी साउंड। आपने जो पहली वाली वीडियो देखी थी वो आईफोन से थी, जिसमें मैं बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। दिस इज़ माई वन प्लस। जिसको भी रुकने रुकाने का मन हो इसका भाई क्या कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको पता चल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इन केस खाटू श्याम में बहुत भीड़ होती है। टीवी यार चली नहीं, लेकिन हमने चला ही नहीं, सोते ही रहे। भाई आ गया है नहा के, मेरा मोटा पहलवान, देखें भाई अभी नहाया नहीं ना। अच्छा मुझको लगा सिर्फ टट्टी करके आया। अरे बेटा ये तौलिया भिगो के ला जल्दी से, भिगा लाए तेरा पहुंचो जाने कहीं से क्या है जे? देखो जे हैं बौरा। अरे भैया यार देखना, आओ दिखाओ। तुम मैं जही ता करता तुम निचोड़ ले तो। दिन में कई बार ये आ गए हैं भाई पराठे सुबह सुबह के लिए, और परी के लिए आई है मैगी। परी हंस दी, अब क्या, अब तुम्हारा नाम से पॉटी कर लेंगे कोई नहीं कहेगा। खड़ी हो गई है गाड़ी, और खाटू श्याम में आज बहुत भयंकर भीड़ है, हद से ज़्यादा। पूरी पार्किंग जितनी भी दिख रही सब फुल है, और ये देखो परी, परी ढक लो, पॉटी गर्ल आ गई मेरी, पॉटी गर्ल। भाभी हट जाइयो। भाई मैंने जूते उतार दिए क्योंकि दूसरी बारी पहने थे, अब भैया के ई रिक्शा में बैठेंगे हम। तो भाई ये हम आ गए खाटू श्याम, मैंने जूते उतार दिए थे लेकिन शिवान भाई हमारे जूते पहना है, और पार्किंग वाले ने बड़ा अच्छे स्पॉट पे उतारा है। यहाँ से जो है हम सीधे अंदर जाएंगे। भीड़ आज बहुत गजब की है, बहुत गजब की। परे परे पार्टी गर्ल। ये देखिए आज है शनिवार का दिन, और इस साल मेरा ये छठा राउंड है, और मेरे भाई का पहला। बाबा कृपा जब होगी तभी दर्शन। और भीड़ बहुत भयंकर है, हम लोग जा रहे हैं सीधे दर्शन करने। यार यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है भाई, हम तो दिवाली के अगले दिन भी आए हैं, वीडियो नहीं देखिए जाओ देखो जाके, दिवाली के अगले दिन भी बहुत बम्पर भीड़ थी भाई। सिलेंडर उठा ले घर ले चले, 111 वो 1100 रुपये का हो गया, 1100 रुपये का। परी देखें, परी एक बार अरे एक सेकंड फोटो खींच रहे, रुक जाओ बैठो, नीचे बैठे रहो, अरे नीचे बैठे।
बाबूजी के हाथ लगा दो जूंदर, बाबूजी देंगे आज 1 रुपया तुझे बाबा तेरे भंडारे में। देख बो तो भाई, इतनी बार खाटू श्याम आए हैं लेकिन इस बार जो हमारा इतना लंबा राउंड लगा है ना, कम से कम शिवांश भाई 1.5 से 2 किलोमीटर हम चल लिए होंगे। सही है, तुम्हारा खाना पच जाएगा। खाना तो पच ही गया, लेकिन जो है ना भीड़ को कंट्रोल करने का यही तरीका है। अब बस ये देखना कि मंदिर में अंदर कितनी भीड़ है। पद्दिंग हो गई बहुत लंबी, लेकिन अब वो यहाँ पे जो है घूमने फिरने वाला मामला खत्म हो गया भैया शिवांश। तो भैया आज जो पूरी लाइन थी वो हमारी बच गई पीक समय पे, शनिवार है पीक समय पे पूरी लाइन बची है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था। और अब हम सीधे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। पूरी भीड़ को चीरते हुए हम दोनों भाई। तो ये देखिए हम आ गए बिल्कुल मंदिर के द्वार पे, और यहाँ पे मुझको भीड़ लग रही है, देखते हैं क्या होता है। भीड़ है यहाँ पे। तो फाइनली मंदिर में आ गए हम, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था, भीड़ बिल्कुल नहीं है। काफ़ी इस बार अच्छा अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए राजस्थान में, बताएंगे वीडियो में, बने रहो। तो जो आप निशान चढ़ाते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, फिर यहाँ से पता नहीं क्या होता है इनका। ये देखिए ध्वजा निशान। तो भाई ये देखिए, ये है व्यवस्था यहाँ पे। हमारे पीछे जो लाइन थी वो यहाँ से पूरी बंद कर दी गई है, बहुत ही लिमिटेड लोग, बाहर भीड़ बहुत है लेकिन जो है लोगों को धीमे धीमे छोड़ा जा रहा है, जिससे कोई भगदड़ ना हो। छोड़ा जा रहा है? अरे यार, लोगों को मतलब जो भीड़ छोड़े जा रहे हैं ना, वो कह रहा हूँ मैं। बहुत तेज मारती है तप्पर, जय निकल गई, देखो मौड़ी। तो ये लो दर्शन हमें हो गए हैं बहुत अच्छे, और अब हम आ गए हैं पैदल तोरण द्वार की तरफ, क्योंकि जो हमारी गाड़ी खड़ी है वो पार्किंग खड़ी है, और पार्किंग तोरण द्वार से काफ़ी दूर है क्योंकि आज गाड़ियों का रेला बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, झंडा भारत का काफ़ी अच्छा लहर रहा है, और ये निशान लेके आते हैं सब श्रद्धालु। तोरण द्वार के पास आ गए हैं, जब जब खाटू श्याम आते हैं तोरण द्वार के पास फ़ोटो ज़रूर खिंचाते हैं, तो वो स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए, आज ही फ़ोटो खिंचाएंगे। जय जय श्री श्याम। जोश देखने को बनता है भाई, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखो भाई, अभी जब हम फ़ोटो खिंचा रहे थे ना, तब ये बादल नहीं था, और अभी ये सूर्य चला गया बादल के पीछे। कितना बेहतरीन लग रहा है। ये देखो मोरपंख। और शिवान भाई कैसा लगा? मज़ा आ गया भाई। तोरण द्वार, ये व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है, जिसमें झंडा और तोरण द्वार है। गाड़ी खड़ी है दूर हमारी, ये बच्चे एंजॉय करते हुए बढ़िया, ये हाथ में हमारे। और यहाँ पे हम आ गए हैं दूसरी बार बोइंग 737 एरोप्लेन। भाई ने तुरंत चश्मा लगा लिया क्योंकि भाई का ये फर्स्ट टाइम है, और जिसका भी फर्स्ट टाइम होता है बहुत एक्साइटेड होता है वो। पिछली बार भैया यहाँ से उड़ के गए थे दुबई, अब भैया ने टिकट ले ली, भैया फिर जा रहे थाईलैंड थाई मसाज कराने। कर रही हो? अच्छा। मैं जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो लगूला जा रहे हो एरोप्लेन से? लगूला भाई, लगूला उतर लेंगे। चलो ठीक है, लगूला उतर लिया, बढ़िया एकदम। तो ये देखो आ गया हमारा खाना प्लेन में। हाँ, कौन सा? अच्छा, वो रिपोर्टिंग जो कर रहे थे, जो हमारा खाना आएगा वो प्लेन में। अब हम धीमे धीमे खाए हैं भैया रे घिन। तो भैया खाना खा के हम हो गए निच्चू, और यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट। भाई ने ले रखा है आईफोन, अब विपिन भैया दे रहे हैं पोज, और पीछे खड़ा है बोइंग 737। ले मार भाई, एकदम मार फोटो, क्या बोलती पब्लिक। ये दिखाओ 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 दिखाओ, अरे एक नंबर मार भाई। फोटोज आई हैं बहुत तगड़ी, बस मुझे आईफोन में एक दिक्कत हो रही है, जो बाहर की नॉइस है ना शिवांश भाई, वो ज़्यादा कैप्चर हो रही है। या तो मुझको इसमें माइक लगाना पड़ेगा, या मुझे कुछ उसमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन भाई फिलहाल के लिए वी लिटरली इन्जॉयड। अब हमको पता फरखाबाद जाना है, यहाँ पे अभी बज रहा है 6, तो सुबह के छः बजे तक पहुँच जाएंगे। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आईफोन के रियर कैमरे से, परी को उठाने जा रहे हैं, लेकिन भाई शिवान भाई फोटो बहुत कर दी पहुँची यार, मज़ा आ गया। हेलो जा, अब देखना जय मौड़ी को हम पकड़ेंगे, जय मौड़ी को हम लेके चलेंगे इलेंट्रा में जल्दी। भाई फोटोज़ आई हैं बहुत तगड़ी, बस मुझे आईफोन में एक दिक्कत हो रही है, जो बाहर की नॉइस है ना शिवांश भाई, वो ज़्यादा कैप्चर हो रही है। या तो मुझको इसमें माइक लगाना पड़ेगा, या मुझे कुछ उसमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन भाई फिलहाल के लिए वी लिटरली इन्जॉयड। अब हमको पता फरखाबाद जाना है, यहाँ पे अभी बज रहा है 6, तो सुबह के छः बजे तक पहुँच जाएंगे। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आईफोन के रियर कैमरे से, परी को उठाने जा रहे हैं, लेकिन भाई शिवांश भाई फोटो बहुत कर दी पहुँची यार, मज़ा आ गया।
अब देखना जय मौड़ी को हम पकड़ेंगे और जय मौड़ी को हम लेके चलेंगे इलेंट्रा में जल्दी से। जय मौड़ी।